डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सूर्यवर स्कूल की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुशीला, आज क्लास फिफ्थ इंग्लिश मीडियम में हमारा जो फर्स्ट लेसन कंटिन्यू चल रहा है उसके एक्सरसाइज, लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस करवाए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन आज करेंगे 6 पे है। देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, आपकी जो मदर्स ब्रदर है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, आप उनके नेफ्यू लगते हो, ग्रैंड सन लगते हो, सन लगते हो, नन ऑफ दिस। आपकी मदर्स ब्रदर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो न तो इसमें नेफ्यू आएगा, न ग्रैंड सन आएगा, न सन आएगा, क्या आएगा ऑप्शन, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ योर फादर इज योर, जो आपके फादर के फादर हैं वो आपके क्या लगते हैं, अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या फिर मैटरनल अंकल। ठीक है, तो आपके क्या लगेंगे वो, ग्रैंड फादर। फादर ऑफ योर फादर क्या होते हैं, ग्रैंड फादर। तो आपका आंसर रहेगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय, न्यूक्लियर जो फैमिली होती है उसमें चिल्ड्रन किसके द्वारा ब्रॉट अप किए जाते हैं, उनका केयर कौन करता है, उनको ब्रिंगिंग अप कौन करता है। तो ऑप्शन है पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पेरेंट्स, जो न्यूक्लियर फैमिली होता है उसमें पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ब्रॉट अप करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का कि इन दिस मेजर रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनके फॉर्मेशन में क्या मेन रीजन है कि वो न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आंसर देंगे तब कैसे देंगे, दिस डेज इन दिनों इन सर्च ऑफ वर्क, वर्क की सर्च में, और हायर एजुकेशन या फिर एजुकेशन हायर के लिए, यानी कि काम की खोज में या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फैमिलीज हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज, जो फैमिलीज हैं वो सिटीज में मूव कर रही हैं, यानी कि गांव को छोड़कर शहरों में प्रस्थान कर रहे हैं। इन सिटीज हाउसेज आर स्मॉल, जो सिटीज हैं उनमें क्या होते हैं, हाउसेज स्मॉल होते हैं, घर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव, जहां केवल कुछ लोग ही रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिली कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, इसीलिए जो जॉइंट फैमिली है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली में। देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, मींस क्या है कि कुछ अदर रीजंस भी हैं जो न्यूक्लियर फैमिली की फॉर्मेशन के पीछे छुपे हैं। ठीक है, उनमें है कांस्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, देयर हैबिट्स, उनकी हैबिट्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी सबकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं, बिहेवियर, उनका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, सबका इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग होता है, आर्थिक स्थिति, मीन्स एक जॉइंट फैमिली में एक पर्सन का अलग है, दूसरे पर्सन का अलग है। कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम है उसका एक्सपेंडिचर, यानी आय और व्यय का जो कैपेसिटी है वो सबका अलग अलग होता है। तो ये मेन रीजंस है कि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आज हमने फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीटली कर ली है। आप अपना ये होमवर्क अपने नोटबुक में रिटर्न करेंगे एंड लर्न करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।